राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 23 अप्रैल 2024 को मंगल देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे तो इसका क्या प्रभाव रहेगा। 23 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच में मंगल मीन राशि में ही रहने वाले हैं। मीन राशि मंगल के परम मित्र बृहस्पति की राशि है। मीन राशि नेचुरल जोड़ी है काल पुरुष कुंडली जो कि मेष लग्न की होती है उसके 12वें भाव में आती है। तो मीन राशि का संबंध आपकी कल्पनाशीलता से है, साइकिक एबिलिटी से है, अध्यात्म से है, योगा मेडिटेशन अकल्ट हीलिंग इनका संबंध भी मीन राशि से होता है। भौतिक जीवन से जो दूर की चीजें हैं, आइसोलेशन, अलगाव, विदेशी स्थान, अस्थिरता, बदलाव, इन सबको मीन राशि दिखाती है। मंगल देव आपके साहस पराक्रम करेज के कारक है। आपकी विल पावर, जुझारूपन, दबंगई, राइवलरी, हर तरह का कॉम्पिटिशन में आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये सब गुण मंगल के अंदर होते हैं। मंगल की स्थिति बताती है कि आप अपनी फिजिकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा को कैसे और कहाँ पर खर्च करने वाले हैं। मंगल देव जब मीन राशि में जाएंगे तो आपकी शारीरिक ऊर्जा अध्यात्म पर, इमेजिनेशन पर, योगा मेडिटेशन पर खर्च हो सकती है, एथलेटिक्स डांस पर खर्च हो सकती है क्योंकि 12वें भाव से पैरों को भी देखा जाता है। देखिए, इस बार का जो मंगल का गोचर है ये एक विशेष गोचर है क्योंकि मंगल जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो राहु वहां पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो मंगल और राहु की युति बनेगी जिसे शास्त्रों में अंगारक योग कहा जाता है। राहु के साथ एक ही भाव में मंगल देव का गोचर वैसे तो 1-1.5 वर्ष में हो ही जाता है, लेकिन मंगल और राहु की युति मीन राशि में ये जो संयोग बन रहा है ये लगभग 17-18 वर्षों के बाद बन रहा है। राहु की ऊर्जा एक तामसिक धर्म देने वाली जुनूनी ऊर्जा है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए राहु प्रेरणा देता है, चाहे उन इच्छाओं को पूरा करने का जो रास्ता है वो कानूनी हो या गैर कानूनी, राहु इसकी परवाह नहीं करता है। सडननेस, रिबेलियसनेस, फॉरन थिंग्स, आउटकास्ट चीजें, असामान्य चीजों का कारक राहु होता है। मंगल और राहु दोनों ही नेचुरली नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह होते हैं। मंगल जहाँ स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, जिमिंग करना, इंजीनियरिंग, कॉम्पिटिशन, पुलिस, आर्मी, टेक्नोलॉजी का कारक है, इसी के साथ ही मंगल हर तरह के वाद विवाद, फिजिकल फाइट्स, हिंसा, चोट लगना, दुर्घटना, कर्जे, क्रिमिनल टेंडेंसीज का भी कारक होता है। तो मंगल के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं होती है। मंगल और राहु के एक साथ आ जाने से राहु मंगल के नकारात्मक गुणों को एम्पलीफाई कर सकता है। नेगेटिविटी बढ़ेगी, दबंगई, चीजें नहीं मिले तो उसे छीन ले, ऐसा एटीट्यूड बढ़ेगा, क्रोध, आक्रामकता, तामसिकता में वृद्धि होगी, इसीलिए इसे अंगारक योग कहा जाता है। रिस्क लेने की अक्षमता बढ़ेगी, इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ेगी, अपने लक्ष्य को हर हालत में पाने की कोशिश रहेगी। साथ ही चीटिंग टेंडेंसीज, पावर हंगर, फॉरेन एक्टिविटीज, तांत्रिक क्रियाएं, इन सब मामलों में भी वृद्धि होगी। चोट, दुर्घटना, सर्जरी का भी ज्यादा योग बनेगा। सभी के लिए 12 मई से लेकर 23 मई के बीच का समय विशेष सावधानी वाला रहेगा, जब मंगल और राहु के बीच की जो अंशात्मक दूरी है वो 5 डिग्री से कम होगी। अब बात करते हैं कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का मेष वालों पर, एरीज पीपल पर क्या प्रभाव रहेगा। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा, तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी, लगन से भी। यदि दोनों से गोचर फल शुभ है तो आपके लिए ग्रोथ वाला पीरियड रहेगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ है तो परिणाम भी मिश्रित मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से गोचर फल अशुभ है तो आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। मेष वालों के लिए मंगल 1ले और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं और मंगल देव का ये गोचर राहु के साथ आपके 12वें भाव से हो रहा है, जहां से वो अपनी 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से आपके 3रे भाव, 6ठे भाव और 7वें भाव को प्रभावित करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि अब मंगल आपको 1ले और 8वें भाव की चीजों को अपने कारकत्व के साथ मिक्स करके आपको 12वें भाव का फल देने वाले हैं। 1ले और 8वें भाव के स्वामी है मंगल, तो ये आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके व्यक्तित्व व्यवहार के कारक हैं। साथ ही में 8वां भाव जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स को दिखाता है, उसके भी स्वामी है। 12वें भाव में ये गोचर हो रहा है तो 12वां भाव विदेश भाव होता है, आइसोलेटेड प्लेसेज, जेल, हॉस्पिटल, आश्रम, इन सबको 12वें भाव से देखा जाता है। 12वां भाव आपकी इमेजिनेशन का भी है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस को भी दिखाता है, आपके एक्सपेंसेस, खर्चों को भी दिखाता है। 1ले भाव के स्वामी होकर मंगल 12वें भाव में गोचर करेंगे राहु के साथ, तो इस गोचर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, करियर या शिक्षा को लेकर घर से दूर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं। फॉरेन कंट्री में या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाने का प्रयास अगर कर रहे हैं तो आपका प्रयास सफल हो सकता है। PR, वर्क वीजा से रिलेटेड कोई आपका इशू चल रहा है तो वो रिजोल्व हो सकता है। यदि आपका काम टूर एंड ट्रेवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, योगा मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है या किसी भी तरह के अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के स्टफ से आप जुड़े हैं तो आपके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी।
आप आइसोलेटेड प्लेसेस में, जेल, हॉस्पिटल, मठ, आश्रम या लेबोरेटरी में काम करते हैं, या किसी भी तरह के रिसर्च के स्टफ से जुड़े हुए हैं, विशेष करके टेक्नोलॉजी की जो रिसर्च होती है, तब आपके लिए ये गोचर काफ़ी फायदेमंद रहेगा। लेकिन पहले भाव के स्वामी होकर मंगल 12वें भाव में है, तो इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत है। ड्राइविंग आपको बहुत सावधानी से करनी चाहिए। ऑयली और स्पाइसी जो भोजन है उससे अवॉइड करें। ब्लड प्रेशर, ब्लड डिसऑर्डर्स, किसी भी तरह की कोई क्रोनिक डिजीज यदि आपको पहले से है तो आपकी लापरवाही से परेशानी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य पर आपका अचानक से खर्चा हो सकता है। एक्सपेंसिज, खर्चे आपके अनियंत्रित रूप से बढ़ सकते हैं। भोग विलास पर, घूमने फिरने पर आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट पर आपको फोकस करना चाहिए। आप जिस भी प्लान या योजना पर काम कर रहे हैं उसमें जल्दबाजी से आपको बचना होगा। इस समय में चीज़ें आपकी योजना के अनुसार नहीं होंगी। जल्दी जल्दी बदलाव वाली परिस्थितियां बनेंगी, तो जल्दबाजी करने से आपको निराशा मिल सकती है। किसी भी तरह का स्टार्टअप करने के लिए, व्हीकल या कोई भी बड़ी परचेज करने के लिए ये समय ठीक नहीं है। आपके स्वभाव में आक्रामकता, एग्रेशन बढ़ेगा, तो जिद पर ना अड़े। इस मामले में आपको फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखना चाहिए। मंगल जब 12वें भाव में है तो आपकी फिजिकल एनर्जी यानी कि शारीरिक ऊर्जा का व्यय भी होगा, तो इसलिए ऐसी मेहनत करने से बचें जिसका बाद में कोई परिणाम ना आए। अपनी संगति, सोशल सर्कल पर आपको ध्यान देना होगा। 8वें भाव के स्वामी होकर भी मंगल 12वें भाव में है तो ये विपरीत राजयोग बनता है। 8वें भाव की जो अचानक होने वाली घटनाएं हैं, कोई गुप्त समस्या है, कोई संघर्ष है जो आपके साथ चल रहा है, उसका व्यय हो सकता है, वो खत्म हो सकता है। लेकिन इसका फायदा उन्हीं मेष वालों को होगा जिनकी कुंडली में भी इसी तरह का योग होगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाएगी। आपके छोटे भाई बहन, करेज, आपके एफर्ट्स, आपका कम्युनिकेशन, इसको तीसरे भाव से देखा जाता है। मंगल की चौथी दृष्टि में बचाव का तत्व होता है, प्रोटेक्टिव एलिमेंट होता है उसमें। तो छोटे भाई बहन के लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ धन खर्च आपको करना पड़ सकता है। कम्युनिकेशन में आक्रामकता रहेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उस पर नियंत्रण रखें। मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर रहेगी। आपके रोग, ऋण, शत्रु, चैलेंजेस, कंपटीशन, आपका डेली रूटीन, इसको छठे भाव से देखा जाता है। अनावश्यक खर्चे बढ़ने से, गलत जगह पर इन्वेस्ट करने से आपके कर्जे बढ़ सकते हैं, तो आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से आपको बचना है। फिजूल के वाद विवाद से आपको दूर रहना है। बदले की भावना से इस समय में कोई कार्रवाई ना करें, नई लीगल परेशानी आपकी शुरू हो सकती है। मंगल की जो आठवीं दृष्टि है ये आपके सप्तम भाव पर जाएगी। सप्तम भाव से आपके विवाह को, वैवाहिक जीवन को, व्यापार, बिजनेस पार्टनरशिप, इनको देखा जाता है। मंगल की आठवीं दृष्टि में ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट होता है, चीज़ों में बदलाव लाती है ये दृष्टि। मंगल की आठवीं दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी तो ये आपके वैवाहिक जीवन में तनाव को बढ़ा सकती है। वैवाहिक जीवन में, बिजनेस पार्टनरशिप्स में संतुलन बिगड़ सकता है, परस्पर समझ कमजोर होगी। रिश्तों में डोमिनेट ना करें, पेशेंस रखें, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो मेष वालों को इस पीरियड में धैर्य रखना होगा, क्रोध और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा, रिश्तों में डोमिनेट ना करें। आपके नवम भाव, भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 1 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। वो आपके धन भाव में दूसरे भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि में। और 1 जून से मंगल भी आपकी राशि में ही पहले भाव में मेष राशि में मजबूत स्थिति में गोचर करने लगेंगे। तो आने वाला समय आपके लिए काफी मजबूत स्थितियां लेकर आएगा। उपाय के तौर पर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना आपको करनी चाहिए। हर रोज 10 मिनट ओम दुम दुर्गाए नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। राम राम।